सबसे पहले स्वागत है आप सभी चैंप्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस प्रीपोजिशंस हम यहां पर कर रहे थे और इसमें मैंने आपको इससे पहली वीडियो में इन ऑन और एट के बेस्ड रूल्स बताए थे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसको प्रोसीड यानी कि आगे के रूल्स करने वाले हैं जो कि किस तरीके से हैं, जैसे इन और इनटू, अंडर बिलो अमंग बिटवीन। तो इसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को, तो वो आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम इन एंड इनटू से। एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, देखिए आई एम इन द रूम और नेक्स्ट है हमारा आई केम इनटू द रूम। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम इन द रूम यानी कि मैं कमरे में अंदर हूँ। इनका जो यूज़ किया गया है दोनों में ही अंदर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, इनटू भी और इन भी। अंतर क्या है यहाँ पर, पहले वाले में है कि मैं कमरे के अंदर हूँ यानी कि वो इंसान कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको रेस्ट की बात की जाए सेंटेंस में, आपको रेस्ट की कंडीशन दे दी जाए, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इनका अंदर के लिए। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई केम इनटू द रूम यानी कि मैं कमरे के अंदर आया। अब देखिए जब कोई इंसान कमरे के अंदर आएगा तो यानी कि मोशन करेगा, जब भी सेंटेंस में मोशन होगा तो वहाँ पर अंदर के लिए इनटू का यूज़ करेंगे। तो यानी कि इन आपका यूज़ होगा रेस्ट की कंडीशन में और इनटू आपका यूज़ होगा मोशन की कंडीशन में। सिर्फ आपको इतना समझना है यहाँ पर। अगर और एग्जांपल की बात करूँ तो देखिए दिया गया है द बॉयज़ जंप्ड इनटू द पूल यानी कि जो लड़के हैं वो पूल में कूद गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कूद रहे हैं तो यानी कि जंप लगा हुआ है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, कूदेंगे तो मोशन होगा। ओके, अगर वो पहले से ही पूल में है तो यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है, तो यहाँ पर आपका इन यूज़ किया जाता, यहाँ पर इन टू यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वो जंप कर रहे हैं यानी कि मोशन हो रहा है, यहाँ पर मोशन हो रहा है इसलिए इन टू का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप इन और इन टू का यूज़ करेंगे, जब रेस्पेक्ट जब रेस्ट की कंडीशन आपको दी जाए तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे, जब आपके सेंटेंस में मोशन किया जा रहा है किसी के द्वारा तो वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के जो हमारा ट्रिक है उसके ऊपर, अंडर और ब्लो। अब देखिए नेक्स्ट हम करने वाले हैं अंडर और ब्लो के बारे में। तो देखिए दोनों का ही जो मीनिंग निकल के आता है वो नीचे होता है, दोनों का मतलब नीचे होता है। अंडर किसी वस्तु यानी कि किसी भी जो आपकी चीज़ है उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में जब कोई आ जाता है तब वहाँ पर अंडर यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको दो पिक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई हैं, तो फर्स्ट वाली जो है देखिए इसमें इन दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि आपस में कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं, तो यानी कि नीचे दोनों का अंतर है। तो ये बॉल जो है ये सिलेंडर के नीचे है या फिर बोलिए रेक्टेंगल के नीचे है और फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, ये देखिए दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका केस है अंडर का। ओके, ब्लो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ब्लो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो लेकिन मतलब यहाँ भी नीचे का है। देखिए बॉल यहाँ पर भी नीचे है लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है ऐसी कंडीशन में ब्लो का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए जैसे डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, तो यानी कि यहाँ पर अंडर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि डॉग और टेबल के बीच में फिजिकली कॉन्टैक्ट है, यानी कि डॉग कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे बैठा है और उससे जो है कॉन्टैक्ट में है यानी कि जुड़ा हुआ है इस तरीके से। यानी मान लीजिए ये आपका डॉग है और ये आपका टेबल, तो ये दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्लो का यूज़ जो है वो कभी कभी डिग्निटी या फिर लेवल बोलिए, स्टैंडर्ड या नंबर के लिए भी, जो हम कम किसी को बताना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे किसी का लेवल कम है तो उसे भी वहाँ पर भी आप लो का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अंडर का यूज़ क्या होता है, जैसे आपके अंडर में कोई आप वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से यानी कि किसी की अवस्था या किसी के अधीन होना, वहाँ पर भी आप अंडर का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जैसे देखिए मैनी पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बिलो का जो यूज़ है वो हम डिग्निटी लेवल स्टैंडर्ड या फिर नंबर में कम किसी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बिलो उसी रेस्पेक्ट में जो है यूज़ किया गया है। इसी तरीके से अगर आपके अंडर में चार आदमी काम कर रहे हैं या फिर आप बोलिए जैसे रोहन इज़ वर्किंग अंडर मी, रोहन इज़ वर्किंग अंडर मी, अब देखिए यहाँ पर अंडर का यूज़ किया गया है क्योंकि वो आपके रोहन जो है वो आपके अधीन काम कर रहा है यानी कि आपके अंडर में काम कर रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से भी ये यूज़ किए जाते हैं ब्लो और अंडर। बेसिकली ये समझ लीजिए कि अंडर जो होता है दोनों, अंडर और ब्लो दोनों का मतलब होता है नीचे और अंडर में होता है हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट, ब्लो आपका जो है वो
फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, उनमें कितने भी नीचे हो सकता है, कोई उसमें पर्टिकुलर नहीं है। तो देखिए, एक था डिस्ट्रीब्यूटेड पेंस अमंग द पुअर, और दूसरा हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। अमंग और बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो देखिए समझना आपको ये है, जब आपसे दो की बात की जाए तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे बिटवीन। ये देखिए बिटवीन का यूज़ किया है मैंने सेकंड एग्जांपल में, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने दो बेटों के बीच बांट दी। अब देखें यहाँ पर टू की बात की गई है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, जब दो से ज़्यादा की बात की जाएगी वहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एकता डिस्ट्रीब्यूटेड पेंस अमंग दी पुअर, यानी कि एकता ने गरीबों के बीच पेन बांटे। अब देखें यहाँ पर गरीबों लिखा हुआ, यानी कि जो है ये आपका प्लूरल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं है, यानी कि गरीब आपका प्लूरल माना जाता है, तो दो से ज़्यादा के लिए आप हमेशा अमंग यूज़ करेंगे। यानी कि जब आपके दो होंगे, दो के बीच बिटवीन यूज़ किया जाएगा, और बहुत सारे के बीच अमंग यूज़ किया जाएगा। ये आपको डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है। ट्रिक हम लेके चलेंगे ओन अपॉन, और इसी के साथ में करेंगे हम ओन टू। अब देखिए तीन आपको मैंने बॉक्स प्रोवाइड किए हैं, यानी कि ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर यहाँ पर देखिए इनके हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर बॉल की, बॉल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पर बॉल रखी हुई है पहले से ही, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है, ये आपका जो है ये रेस्ट की कंडीशन में यहाँ पर बॉल रखी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ओन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए, अगर मान लीजिए आपकी बॉल यहाँ से मोशन करके तब यहाँ पर रखी जाती है, यानी कि यहाँ से मोशन करके कहीं से बॉल आई है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे अपॉन का, यानी कि यहाँ पर मोशन में है, इन मोशन, ओके। तीसरे बॉक्स में देखिए, बॉल आपकी मोशन कर रही है, मोशन करके ये अभी रुकी नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिए, मोशन करके इसके ऊपर से जा रही है, यानी कि जब सिर्फ मोशन की बात की जाएगी, यहाँ पर देखिए जब मान लीजिए बॉल जंप करने की बात की जा रही है, बॉल जंप करने की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपॉन का। अब अगर बॉल जंप करके यहाँ पर रुक जाती है, यानी कि रेस्ट में आ जाती है, मोशन के बाद पहले किस में होगी, मोशन में होगी, फिर प्लस रेस्ट, यानी कि मोशन करके फिर रेस्ट में आएगी, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑन टू का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट है आपका टेलीफोन इज कैप्ट ऑन द टेबल, यानी कि देखिए तीनों का ही जो एग्जांपल है उसमें ओन अपॉन ओन टू, तीनों का मतलब कहाँ से है, ऊपर से, मतलब है यहाँ पर ओन हो अपॉन हो या फिर ओन टू हो, अंतर समझेंगे इस तरीके से। देखिए पहला है टेलीफोन इज कैप्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ, यानी कि किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, तो इसलिए यहाँ पर ओन का यूज़ किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए डॉग जंप्ड अपॉन मी, यानी कि डॉग ऊपर जंप कर रहा है, जंप कर रहा है तो यानी कि क्या होगा, मोशन कर रहा है, जंप यानी मोशन, मोशन कर रहा है तो आपका क्या यूज़ होगा, अपॉन यूज़ होगा, इसलिए आपने अपॉन यूज़ किया गया है। तीसरे में क्या बोला है, द डॉग जंप्ड एंड सेट ऑन टू द टेबल, यानी कि कुत्ता जो है वो जंप करा उसने और टेबल पर बैठ गया। अब देखिए जब जंप करा तो क्या करा, मोशन करा, उसके बाद बैठ गया, सेट यानी बैठ गया, तो यानी कि रेस्ट में आ गया, मोशन प्लस रेस्ट, यानी कि यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑन टू। तो देखिए तीनों का ही मैंने आपको बता दिया, ऑन रेस्ट की कंडीशन में यूज़ करेंगे, मोशन की कंडीशन में अपॉन का यूज़ करेंगे, और जब मोशन और रेस्ट दोनों की बात की जाए वहाँ पर आप ऑन टू का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए एक छोटा सी जो है आपका ये राउंड और अराउंड की बात कर लेते हैं, राउंड एंड अराउंड बहुत सिंपल हैं, राउंड एंड अराउंड। तो देखिए राउंड का प्रयोग जो है वो चारों ओर जो आपकी गति है उसे बताने के लिए या फिर स्थान बताने के लिए किया जाता है, कभी कभी अराउंड का प्रयोग अप्रोक्सीमेटली या बाहर के चारों ओर के अर्थ के लिए भी किया जाता है। तो देखिए राउंड अराउंड में फर्स्ट एग्जांपल है हमारा था प्लेनेट मूव्स राउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों तरफ जो है ग्रह घूमते हैं, तो चारों तरफ यहाँ पर बात की जा रही है, चारों तरफ गति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, राउंड का यूज़ किया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर आर अराउंड 60 डॉग्स, तो यानी मैंने आपको बताया कि अराउंड का यूज़ जो है कभी कभी वो अप्रोक्सीमेशन के लिए भी कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि
60 मतलब कंफर्म नहीं है कि 60 डॉग्स हम बोल रहे हैं कि लगभग 60 डॉग्स हैं, तो कभी कभी लगभग जब हमें लगता है यानी कि अप्रोक्सीमेटली के लिए हम यहाँ पर अराउंड का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से समझिए, राउंड का मतलब है चारों ओर गति करना या फिर चारों ओर स्थान बताने का, जब हमारी कंडीशन होती है तो राउंड का यूज़ करते हैं। अराउंड का यूज हम तब करते हैं बाहर से चारों ओर जब हमें अर्थ बताना हो। आज की वीडियो में रखते हैं इतने गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए प्रीपोजिशंस के बचे हुए रूल्स और ट्रिक्स, उन्हें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोज़ देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।